नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। कस्बा विधानसभा में मौजूद है। वोटिंग को तकरीबन कुछ घंटे बचे हुए हैं, चुनाव प्रचार थम चुका है। तमाम महिलाएं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जमीनी हकीकत क्या है, माहौल क्या है चौथे चरण का, लोगों से बातचीत करेंगे जो महिलाएं हैं उनसे कि क्या माहौल है, किसका पलड़ा भारी है, दीदी है या फिर मोदी लहर इन पे भी सवार है। क्या कहें, कैसे चुनाव को देख रही है, दीदी लहर है यहाँ पे या मोदी लहर है? दीदी लहर है। क्यों दीदी लहर है? दीदी काम ही ऐसे करती, वो तो जब से आया नोटबंदी किया है, NRC लगा दीया, क्या नहीं किया है। दीदी कन्याश्री की, रूपश्री की, सब कुछ की है। मोदी जी भी तो कह रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं। वो क्या वादे कर रहे हैं, वो तो 15 लाख का वादे किए वो दिए, वो तो बहुत सारे वादे करते हैं, उनका कोई भी एक वादा सही बता दीजिए आप। महिला सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षित रहेंगी सरकार आती है। वो कुछ नहीं है, वो दीदी जब तक है बंगाल में सब महिला सही है। आप क्या कह रही है, इस बार किसकी दीदी? मैं भी वही बोल रही हूँ, मेरे भी दीदी चाहिए। दीदी चाहिए? हाँ। चाहिए दीदी। दीदी सब काम अच्छी करती है इसलिए। अच्छा। मोदी आने से कितना नुकसान हो गया हम लोग का, लॉकडाउन हुआ है, NRC हो रही है, सब इसीलिए हम लोग को दीदी चाहिए। नोटबंदी भी हो गया, यहाँ तो कह रहे हैं सुनार बंगला बना देंगे, तमाम बातें वो सब दिल्ली को बना, यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, नहीं यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ जैसे है वैसे ही रहेगा। मतलब इस बार खेला होगा? खेला होगा। हाँ हाँ खेला होगा। औरत इतनी कलकत्ता में सेफ है, किसी शहर पे नहीं है। अगर हम लोग 100 ग्राम सोना भी पहन के इस कहीं भी घूरे, हम लोग खैर खुबी से अपने घर आते, तो इसकी वजह सिर्फ दीदी है। दीदी की? बिल्कुल। मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं करते? मोदी के ऊपर क्या भरोसा करेंगे, आज तक उन्होंने क्या अच्छा काम किया बताइए, एक भी काम गिना दीजिए। आज हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं, क्या अच्छा काम किया? लॉकडाउन किए, हजारों लोग मरे, एक भी आवाज उठाए? कितने किसान अभी भूखे मर रहे हैं, आप बताइए कि एक मामूली इंसान क्या करेगा, एक नॉर्मल जिंदगी। मोदी हम लोग को नॉर्मल जिंदगी नहीं दे पाएगा। वो कह रहे हैं कि दीदी डरी हुई है, घबरा गई है। कौन बोले दीदी? टाइगर, टाइगर। जिस तरह इंदिरा गांधी टाइगर थी ना, इसी तरह दीदी है टाइगर। लेकिन यहाँ सवाल यहाँ का हो रहा है, यहाँ हम लोग बहुत सुख शांति में। वो कह रहे कि अगर अगर कदम रख देगा मनुष्य, तो हम लोग कलकत्ता जो है बर्बाद एकदम गुजरात बना देगा, हम लोग गुजरात बनने देंगे नहीं। जो टीवी मीडिया वो कह रही है शेर की एंट्री हो गई, मोदी जी शेर है, शेर आ गया बंगाल में। मोदी जी गीदर है, गीदर लोग हमेशा शेर बोलते हैं। और दीदी का एक पैर टूट गया तो क्या हुआ, लाखों पैर उनके साथ है। तुम लोग काहे तक चमत्कारी करते हो, मोदी 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 मत करो, जो लेफ्टी होता ना। देखो मीडिया वाले लोग, देखिए वो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी लोग मीडिया वाले लोग एक दलाल होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का इज्जत करेंगे, जो हक बात है वो बोला कीजिए। ये हमेशा मीडिया को लेकर गुस्सा नहीं क्यों है आप इतने गुस्सा? अरे मीडिया मत लो, जो आप बैठे तो गोदी मीडिया के अगेंस्ट, गोदी मीडिया के अगेंस्ट बोल रही है। गोदी मीडिया जो हम लोगों का है ना, एक गोदी मीडिया, उसके बारे में बोल रही है। मोदी जी जिस तरीके से दबी जुबान कहे कि हिंदू एक हो जाओ, इसके बाद लग रहा है चौथे चरण में माहौल बदलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। आप हिंदू इकट्ठा कर रहे हैं तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात कर रहे हैं। मतलब आप नारे तकबीर के साथ जाइएगा, जय श्री राम के साथ नहीं, हम जय श्री राम बोलते हैं, हम जय श्री राम बोलते हैं, इससे क्या हो जाएगा? सारे लोग यहाँ पे अभी जय श्री राम बोलेंगे, इससे क्या होगा? हम पढ़ेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं गर्भोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। हम कहेंगे कि आप तकलीफ देखिए, आज जितने किसान नेता, जितने लोग किसान यहाँ पे मारे जा रहे हैं, पुलवामा अटैक हुआ, जैसे ही मोदी जी के जैसे ही कोई भी नेता पकड़ाते हैं करप्शन में, जैसे ही करप्शन में पकड़ाते हैं, वैसे ही आप पुलवामा अटैक करवा देते हैं लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ठीक उसी तरीके से जैसे ही अभी आपके हफ्ता दिन पहले की बात है, आपका एक नेता करप्शन में पकड़ाया गया है जिसने अपनी इस्तीफा दे दी, उसी के साथ साथ संग संग आपका नक्सली हमला हो गया। ये क्या है, आप नक्सलियों को रोक नहीं पा रहे हैं और आप कलकत्ता को सोना और ये बनाने आ रहे हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि सोनार बंगला ओनार बंगला वो तो बकरा है, बकने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, वो पागल है पागल ही रहे, भरोसा कीजिए, कोई भरोसा नहीं है उसके ऊपर। मेरे नजर में सिर्फ दो ही मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। अच्छा। एक नंबर में मेरी दीदी आ रही है और दूसरा नंबर में केजरीवाल। देखो अभी केजरीवाल के साथ क्या शुरू किया, जितना पावर से छीन करके सब LG को दे दिया। क्या ये अच्छा काम किया? उसका बोलबाला दिल्ली में जिस तरह हो रहा है, इसी तरह यहाँ पर ममता का बोलबाला। वो तो कह रहे 200 पार कर जाएंगे, भाग में जाए, भाग में जाए, वो क्या कह रहे, हम उसका कुछ नहीं सुनना चाहते हैं।
अच्छा से अच्छा हम तो समझ में एक चीज हम हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता है जो भी मिनिस्टर कमीनागिरी करे उसको हाथ पकड़ उठाते। आप जनमन मुद्दे पे आई है, हमारे जवान आपके रहते में कैसे घुसपैठिया लोग आ रहे हैं, आप नक्सली को तो खत्म ही नहीं कर पा रहे और आप देश को और जय सियाराम को और नारे तकबीर को और इन सब चीजों को। मनोज तिवारी जिस तरीके से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा भी चला रहे हैं, कैसे देखते हैं कुछ फर्क? रिक्शा चलाना देखिए वो टीवी एक्टर है, मैंने जैसा के बोला टीवी एक्टर है, वो रियल लाइफ और रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। महिला सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक मॉडलिंग फील्ड से हूँ, तो महिला हर जगह सुरक्षित है। हमारा कलकत्ता बहुत सेफ है, हमारा कोलकाता में कोई महिला असुरक्षित कभी नहीं हो सकती। नोटबंदी से लेके अब तक मोदी ने कुछ नहीं दिया, नोटबंदी में माँ बहन को लाइन लगवा दिया, वोट का चक्कर में, बिहार का चक्कर में, तो वादा कर रहे हैं बंगाल के लिए, सब झूठा वादा, सब झूठा, कोई वादा सही नहीं है। जितना वादा है हिंदुस्तान के लिए 130 करोड़ का जो बोलते हैं सब झूठा वादा करते हैं। एक गैस दे गया 850 रुपया गैस हो गया, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, क्रांति 70 रुपए लीटर हो गया, क्यों हुआ? बांग्लादेश का पेट्रोल का रेट देखिए, बांग्लादेश का अगर इसका गैस का रेट देखिए, बांग्लादेश का अगर क्रांति का रेट देखिए, बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, एक उमा को खुशहाली देखिए, उमा का आवाम को देखिए, एक तो मामूली ड्राइवर जो है 1000 रुपए रोज कमाता है। दीदी के काम से खुश है यहाँ? दीदी का काम से बहुत खुश है। अच्छा। राजा हट देखिए, न्यूटन देखिए, मटिया पुरुष देखिए, बहुत सारा जगह देखिए, उन्हें काम किया, बंगले की वादे कर रहे हैं, अच्छे दिन लाने की वादे कर रहे हैं। वो हमारे शहर के ही नहीं है, वो हम लोगों का दर्द क्या समझेंगे? अगर मान लीजिए हमें कोई परेशानी हो जाती है तो मैं कहाँ जाऊँ? हम लोग ममता के संग है, ममता के संग रहेंगे। भुजा ममता हम लोग को देखती है, हम लोग ममता के संग है, हर कुछ में ममता अच्छी है। मोदी जी पे भरोसा? मोदी क्यों, एकदम बहुत कमीना है, जब से आए जीता है तब से कभी लॉकडाउन नहीं लगाए, नासी लगा रहा है, कभी लोड चेंज करवा रहा है, सबको तो परेशान करके रखा। सरकारी नौकरी देंगे? हाँ, कुछ करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। हाँ दीदी के साथ है, दीदी हम लोग को देख रही है तो हम लोग किसको देखेंगे? बोलिए दीदी को देखेंगे। मोदी जी पे क्या किया, क्या है? वो बोला हम ये करेंगे वो करेंगे, सब तो बेच दे रहा है, मंदिर वगैरह तो बना दिए, सब तो बेच दे रहा है, क्या ले रहा है? सब धोखा से जो दिल में आ रहा है वो बोल दे रहा, पर करेगा कुछ नहीं। अभी वोट है, अभी मुझे भी दीदी चाहिए। मोदी जी क्या किए, वो तो कुछ भी किए, इन्हें भी मोदी चाहिए, इन्हें भी दीदी चाहिए, मोदी नहीं, मोदी सबको परेशान कर रहा है। लॉकडाउन हुआ, फिर से लॉकडाउन होने वाला, हम लोग को सबको मरने पे लगा हुआ है। महिला सुरक्षित नहीं है बंगाल में? सब सुरक्षित, सब सुरक्षित है, दीदी का वजह से सब ठीक है, मोदी का वजह से सब बर्बाद है। आप किसके साथ क्या करेंगे? ममता दीदी के साथ, वो काम ऐसे अच्छा करती है तो सभी के मुँह में उन्हीं का नाम है, और क्या मतलब? दीदी आएगी, पूरी दीदी आएगी, नहीं भरोसा दिया नहीं है। अभी किसान लोग का क्या हाल बना के रखी है? अभी तक लोगों को जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है, इसका वजह को तो हार्ड है। एक मुद्दा यहाँ पे रहेगा वोटिंग के समय किसान, वही बहुत बड़ा मुद्दा, मगर बेचारा लोग का साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहा। लड़ पाएंगे अकेली दीदी? लड़ पाएंगे तमाम मुख्यमंत्री? अरे लड़ पाएंगे। अच्छा ये योगी जी आ रहे, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, वो आए और गए। हम लोग चाहते हैं, हम लोग को मोदी जी नहीं चाहिए, हम लोग को दीदी चाहिए। इस बार खेला होगा? क्या लग रहा है इस बार खेला होगा? खेला होगा। आप किसके साथ हैं? हम भी ममता के साथ हैं। ममता के साथ है? क्यों ममता के साथ है? बहुत कुछ किए हम लोग के लिए, काम किए हैं बहुत काम। मोदी जी कह रहे काम वाम करेंगे, सब झूठ बात है। आप किसके साथ हैं? दीदी के साथ, ऑफकोर्स दीदी के साथ है। मोदी जी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, इतना दिन से सेंटर में बैठ के क्या किए? वो अभी कलकत्ता पे आके बोल रहे कि हम ये करेंगे, जो तो सेंटर में है, वो तो चाहते तो कर सकते थे। एक मौका दीजिए यहाँ पे, एक मौका, उसको तो इतना मौका दिया गया तो फिर नहीं कर पाए, तो अभी एक मौका में क्या करें? वो पहले अपना दिल्ली और यूपी संभाले, उसके बाद कलकत्ता संभाले। चलिए क्या लग रहा है, शेर की एंट्री हो गई है, मोदी जी शेर है, शेर यहाँ पे दहाड़ रहे हैं। मुद्दे इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। और रहा सवाल मोदी जी का, तो ये जो भी नारा वो लगा रहे हैं, जय सियाराम हो या और भी जिस चीज को लेकर के, लेकिन ये भारत है, जैसा कि वो बोल रहे हैं कि सुनार बांग्ला बनाएंगे, तो हमारा सुनार बांग्ला था, है और रहेगा। और दीदी ने बोला था कि मैं लंदन बनाऊंगी, तो जाइए आप क्लॉक टावर देखिए मटिया ब्रिज में, जो ऑलरेडी लंदन बना रही है। तो ये दीदी ने जो कहा था दीदी ने किया है। अरे गुंडागर्दी होता है, दीदी के गुंडे घूम रहे हैं यहाँ पे। दीदी अब गुंडे नहीं घूम रहे हो, गुंडा ला करके अब गुंडा घोरा रहे, दीदी को बदनाम कर रहे हैं जो दीदी गुंडा पाला हुआ है। अगर दीदी गुंडा पाले रहे तो एक भी आवाम यहाँ पर नहीं रहेगा। खेला होगा आप लग रहा है? खेला तो वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप।
वोट कब होगा, वोट कब खेला होगा? मोदी जी खेला बिगाड़ेंगे तो नहीं? मोदी जाएगा इतल आगे भीतर। क्या करी, क्या हम लोग वोटिंग में, हम लोग अगर बीजेपी को अगर हमारी दीदी से लड़ना है ना तो काम के मुद्दे पे लड़े, काम दिखाए फिर लड़े। तो काम तो वो भी कह रहे ना कि खेला नहीं होगा, विकास होगा, शिक्षा होगा। हम लोगों के लिए क्या किया, एक अच्छी नौकरी तक नहीं दिए। आज दीदी के राज में हम लोग को 100 दिन का काम हम लोग खुद करते हैं। कभी सुने थे कि लेडीज लोग 100 दिन में थी, हम लोग करते हैं 100 दिन में काम। आज दीदी की वजह से आज हम लोग शान से गुजरे। हम लोग आज बीओलो बन के बैठे हैं। किसकी बदौलत? सिर्फ दीदी की बदौलत, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू देते हैं, 100 दिन का फॉर्म भरे, जिसका वजह से हम लोगों को आज काम में मिला। तो आज हम लोग को दीदी की और लेडीजों का पहचान दीदी दी है। मतलब यहाँ पे दीदी लहर है। बिल्कुल, दीदी इस बार खेला हो जाएगा। दीदी रहेगी और दीदी ही रहेगी। तमाम महिलाओं से हमने यहाँ पे बातचीत की, ग्राउंड रिपोर्ट जाना, माहौल क्या होगा आज आपको पता चल गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।